नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ तुला लगन व तुला राशि के लिए जुलाई 2022 का राशिफल। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुलाई के माह में ग्रहों का गोचर क्या रहेगा। तुला लगन में इस समय केतु का भ्रमण हो रहा है। तुला लगन पर केतु चल रहे हैं। पंचमेश शनि स्वराशि के चल रहे हैं कुंभ राशि में। 12 जुलाई के बाद शनि कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में आ जाएंगे। ध्यान रखिए कि 5 जून से शनि वक्री अवस्था में है, जो कुंभ राशि में वक्री थे। अब वो 12 जुलाई को जब मकर राशि में आएंगे तब भी वो वक्री होंगे। जब वो 12 जुलाई को मकर राशि में आकर वक्री होंगे तो वो तीसरे भाव से रिजल्ट देंगे, और तीसरे भाव से शनि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो तुला लगन व तुला राशि के लिए वक्री शनि जो है पॉजिटिव है। देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। इस समय आपके छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं, और गुरु के वक्री होते हैं वो पंचम से इफेक्ट देंगे, और उनकी लगन और भाग्य भाव पर दृष्टि होगी। तो गुरु का वक्री होना भी आपके लिए शुभ है, यानी तुला लगन एक ऐसा लगन है जिसके लिए गुरु और शनि दोनों का वक्री होना शुभ रहेगा। सप्तमेश मंगल स्वराशि के चल रहे हैं, उनकी राहु के संगति है। लग्नेश शुक्र अष्टम में स्वराशि के चल रहे हैं, आगे चलकर शुक्र भाग्य भाव में चले जाएंगे। भाग्य भाव में भाग्येश बुध स्वराशि के हैं और उनकी लाभेश सूर्य के संगति है। आगे चलकर लाभेश सूर्य व भाग्येश बुध जो है दशम भाव पर चले जाएंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति तुला लगन व तुला राशि के लिए। मेरे हिसाब से तुला लगन व तुला राशि के लिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गुरु और शनि का दोनों का वक्री होना शुभ है, तो 29 जुलाई से जो गुरु वक्री हो रहे हैं तो 29 जुलाई से 24 नवंबर तक का समय आपका वैसे अच्छा रहेगा, और 12 जुलाई से जो शनि वक्री हो जाएंगे वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। और इस माह सूर्य व बुध आपके दशम में और भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो ओवरऑल परिस्थितियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि तुला लगन व तुला राशि के जातक अगर कुछ मानस बिठा के बैठे हैं कि उनको जुलाई के माह में कुछ डिसीजन लेने हैं अपने कैरियर से जुड़े, तो उनको कैरियर के संदर्भ में नए अवसर मिल सकते हैं। आप जॉब बदलना चाहते हैं जॉब बदल सकते हैं। वर्तमान जॉब में आप अपनी प्रमोशन का प्रयास कर सकते हैं। व्यापार में आप कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं उनकी विदेश यात्रा हो सकती है। सप्तम में राहु चल रहा है, और जब शनि वक्री हो जाएगा तो उसकी भी द्वादश भाव पर दृष्टि होगी, तो आपके लिए यात्रा का संकेत है। भाग्येश बुध स्वराशि के चल रहे हैं तो भाग्य आपका बली है, यानी जॉब मिलने की भी संभावना है, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। व्यापार में अगर आप इस समय कोई निवेश करते हैं तो फ्यूचर के लिए आपके अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा बना हुआ है, पर इसके साथ साथ सावधानी। लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में है और सप्तमेश मंगल की राहु के संयुति है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव परेशानी या गलतफहमी आ सकती है। पंचमेश शनि स्वराशि के चल रहे हैं और आगे चलकर पंचमेश शनि वक्री हो जाएंगे तो उनकी पंचम भाव पर दृष्टि होगी, और देव गुरु बृहस्पति भी जब वक्री हो जाएंगे तो पंचम भाव से इफेक्ट देंगे। तो तुला लगन व तुला राशि के वो जातक जो संतान प्लान करना चाहते थे, उनके लिए संतान प्लान करने के लिए गोचर अच्छा आ गया। अगर उनकी कुंडली में भी लग्नेश पंचमेश या नववेश की दशा चल रही है, यानी अगर उनकी कुंडली में शुक्र की शनि की या बुध की शुक्र की या शनि की या बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो वो संतान प्लान कर सकते हैं। इस माह खर्चे आपके अधिक होते दिखाई दे रहे हैं, खर्चों की आपकी अधिकता रहेगी। क्रोध पे नियंत्रण करिएगा। लगन को मंगल देखता है और लगन में केतु है, केतु का लगन पर गोचर, उसको मंगल को देखना क्रोध की मात्रा बढ़ाता है, चिचड़ापन देता है, गुस्सा अधिक आता है। मंगल जो है अपनी वाणी भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण भी गुस्सा ज्यादा आ सकता है, वाणी कटु हो सकती है। लेकिन यही मंगल जो आपको गुस्सा दिला रहे हैं वो इस माह धन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि धनेश मंगल स्वराशि के हैं और उनकी धन भाव पर ही दृष्टि है, जो इस बात का संकेत है कि इस माह आपका कहीं से रुका हुआ पैसा था तो इस माह आपके पास आ सकता है। धन आने की अगर आपने इस माह उम्मीद लगाई थी तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। जो लोग व्यापार को पार्टनरशिप में करते हैं वो सावधानी रखें इस माह पार्टनर से किसी प्रकार का, क्योंकि जब तक लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में है, पार्टनरशिप में सावधानी रखने की जरूरत है, पार्टनर से कोई वाद विवाद ना हो जाए। और वैसे मैंने आपको बता दिया गुरु व शनि का वक्री होना आपके लिए शुभ है। 12 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे तो वो तीसरे भाव से इफेक्ट देने लगेंगे, और शनि जो है 3, 6 और 11 में सबसे बढ़िया फल देते हैं, तो आपके लिए रिजल्ट और अच्छे आ जाएंगे। और 29 जुलाई से जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो वो 24 नवंबर तक आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो ये तुला लगन व तुला राशि के लिए जो कैरियर में आगे बढ़ने का समय आया है, उसके लिए हम देखते हैं कि इस माह की शुभ तिथियां कौन सी हैं। 1 व 2 जुलाई,
तीन व चार जुलाई, पांच व आठ जुलाई, नौ व बारह जुलाई, तेरह व अठारह जुलाई, उन्नीस व बीस जुलाई, इक्कीस व बाईस जुलाई, अट्ठाईस व उनतीस जुलाई, तीस व इकतीस जुलाई। तो यानी जुलाई के महीने में आपके लिए ऐसा है कि जुलाई के महीने में अगर आप किसी काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक से लेके पांच तक का समय ऐसा है जो आपको लगातार बढ़िया मिल रहा है, एक दो तीन चार पांच। उसके बाद फिर 18 से लेकर 22 तक का समय, 18, 19, 20, 21, 22 और फिर 28 से लेकर 31, यानी 28, 29, 30, 31, यानी इस महीने आप कुछ नया प्लान करने की सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन तिथियों का ध्यान रखिए, इन तिथियों का इस्तेमाल करिए। चंद्रमा इन तिथियों में पॉजिटिव होगा तो आपको काम का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब मैं आपको जुलाई के माह में सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ, जब चंद्रमा आपका चौथा, आठवां या बारहवां होगा। यानी चंद्रमा जब मकर का, वृषभ का या कन्या का होगा तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। भूल कर भी इन तिथियों पे कोई महत्वपूर्ण काम ना करें तो सावधानी रखने के दिन है 6 व 7 जुलाई, 14 व 15 जुलाई, 23 व 24 जुलाई। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था कि तुला लग्न व तुला राशि के जातकों के लिए कैरियर में आगे बढ़ने का समय है। 12 जुलाई से शनि जो मकर राशि में वक्री हो रहे हैं वो उनको शुभ रिजल्ट देंगे 25 अक्टूबर तक, और 29 जुलाई से जो गुरु मीन राशि में वक्री हो रहे हैं वो 29 जुलाई से 24 नवंबर तक उनको बढ़िया रिजल्ट देंगे। यानी गुरु व शनि का वक्री होना आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये समय ऐसा है कि जब आपको वर्ष के इस समय में कैरियर में सफलताएं मिल सकती हैं। अगर आपने कुछ सोचा हुआ था कि 2022 में आपको कोई विशेष काम करना है तो कोशिश करिए 29 जुलाई से 24 नवंबर के बीच में उस काम को करने की कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।